सुबह की थोड़ा जल्दी की रूटीन बना रखे, तो थोड़ा जल्दी उठती हूँ। 5 बजे के आसपास उठ गई थी मैं, और मम्मी उठ गई है, कपड़े धोएंगे मम्मी, तो मम्मी उठ गई। और ये कल की जो थी अभी तक चल रही है अपनी, देखो है ना। 6:18 हो गए, वरना मैं निकल जाया करती 6 बजने से पहले ही। पर एक तो आज मैं सुबह उठी ही थोड़ा सा लेट थी, और उठने के बाद पता ही नहीं टाइम कैसे निकल गया इतना जल्दी। बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, 6:30 हो गए, जल्दी जल्दी से भागते भी फटाफट, क्योंकि आज मेरा लेग्स डे है। मतलब मंडे को मेरे को ये होता है कि लेग्स करनी है बहुत बढ़िया हैवी करनी है, उसके लिए मेरे को मशीनें फ्री चाहिए। लेकिन आज जो लेट हुई ना, तो मेरे को ऐसे हो रहा बस जल्दी जल्दी। तो जिम अपना हो गया है। जब मैं डॉक्टर मैंग के साथ वर्कआउट करती थी ना, तो मेरा स्कोर्स, आज मैंने जैसे लेग्स किया तो स्कोर्स मतलब मेरा इतना मैक्स चला गया था कि 90 LBS एक तरफ, 90 LBS एक तरफ, और 30-40 LBS की वो रोड, इतना मैं करने लग गई थी। और अब जब मैं अब अकेले करने लगी हूँ ना, हाफ वेट पे आ गई ऑलमोस्ट, मतलब 45 एक तरफ, 45 एक तरफ। तो ये आज मैंने थोड़ा ज़्यादा महसूस किया कि जब मैं स्कोर्ट्स करने, आज मेरा इतना मन था कि मैं हैवी से हैवी करूँ, लेकिन 45 भी अब अकेले करते हुए मेरे लिए हैवी लग रहा था। तो देखते हैं, तो मैं डॉक्टर मैंग से बात करूँ, क्योंकि अब हमारा टाइमिंग जो है अलग हो गया है। वो दिन में आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं अपने क्लिनिक की वजह, पेशेंट्स की वजह से, और मैं थोड़ा सुबह जल्दी आती क्योंकि मेंबर्स की वजह से, कि ज़्यादा हो जाते हैं 8 बजे के बाद। हालांकि आज तो कम ही थे, तो बाकी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को हैवी कर, आज मेरे को ये चीज़ ज़्यादा फील हुई, अभी इतने दिनों से नहीं हो रही थी, क्योंकि आज मतलब मैं सुबह इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थी अपने वर्कआउट को लेके कि भाई बढ़िया खींच कहूँगी एंड एकदम हैवी वर्कआउट करना है, पर वो हुआ नहीं। मैं पहले शावर लूँगी, आज ब्रेकफास्ट में बाजरे की रोटियाँ गरम गरम बना रही है मम्मी, और इसके साथ अपना ये टिंडी की है, और चटनी नहीं बनाई, चटनी चटनी ना बनाई, कोई चटनी तो बना लेते हैं। क्या ये बनाऊँ? लाल मिर्चा की, लाल मिर्चा की बना ले, ये पता नहीं, मैं बना लूँ पहले फिर, ठीक है। आज मस्त बढ़िया मम्मी के हाथ की बाजरे की रोटियाँ बना रही हैं भाई। हम सब बैठे हुए थे जिम से आके, अपनी डाइट वाइट ले लिया, और मम्मी और की भी डाइट चल रही थी अभी। चाय, चीनू क्या ले रहा है भाई खाने में? चाय, सोबरस चाय, और ये इसके रस चल रहे हैं। आज हम लोगों ने रखी है एक रेसलिंग कंपटीशन, क्या रखा है मम्मी? दंगल है। दंगल किस किस का होगा? मोगली का और सोहित का। सोहित का। तो ये अब हम सारे इतने एक्साइटेड होते हैं, मोनी बैठे, बाबी बैठे, सुरेखा जी आई हमारे बीच आज टाइम निकाल के थोड़ा सा, वो बैठी है, और सोहित को स्पेशल बुलाया गया क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ, है ना, वो तो मुंह छुपा ले रही है, मुंह नीचे ये देखो। सेकंड टारगेट है। हाँ, टारगेट वो मैं अभी बता देती हूँ। तो अभी बैठे बैठे मोगली ने चैलेंज किया है सोहित को कि 10 सेकंड के अंदर अंदर सोहित की जो है ये पीठ लगा देगा, है ना, बात यही है। और अगर लगा देता है तो ये इनाम जीत जाएगा 5,000 रुपये, जो कि कैश दिया जाएगा। और अगर ये हार जाता है तो तू ही बता दे क्या करेगा, अभी इसको पता ही नहीं है। चल मोगली फिर उठ ले, थोड़ा वार्म अप कर ले अच्छे से, है फर्स्ट पे ऐसा ही थे। मोगली कर रहा है, यो मोगली, तारा भाई मोगली। अरे सिट्टी किताब की मैं वैसे ही बता दूंगी। ओ ये बताइए सिट्टी बता के दे। वाह भाई वाह, खूब सिट्टी दी। हाँ ठीक है, पहले हाथ मिला लो, हाथ में अच्छे से इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, तो हाथ मिला लिया, ठीक है, रेडी है दोनों, ठीक है मम्मी? हाँ भाई रेडी। एक दो थोड़ी आता नहीं। ये वाह, ये मोगली, मोगली सोहित की पीठ लगाते हुए। और ये तो मोगली, देखते देखते मोगली ने गेम ही पलट डाला है। ओ ये मोगली, मोगली सोहित की पीठ लगाओ। मोगली ऐसे नहीं, ऐसे हारना थोड़ी है ब्रो। ये मोगली सोहित की पीठ लगा दे, लगा दे, अरे लगा दे, लगा दे, लगा दे लड़के, लगा दे। ये मोगली, शाबाश शाबाश शाबाश, ये 1 2 3 मोगली रास्ती। काउंटिंग तो करा करो, छोड़ छोड़े विनर। ये यो तो भाई अपना देसी रेफरी आ गया, सो तेनु को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और थोड़े सा काउंटिंग भी लग रही थी, तेनु को छोड़ दो। अच्छा ठीक है मोगली, एक बार और करना चाहा, हार मानना है, हार मान ली बस। अरे चाचू ने कुश्ती की,
इतनी सारी लाइट से फोन में घर में किसी और उसी लाइट की जरूरत ना पड़ती होगी है ना सेव इलेक्ट्रिसिटी थी कितना जसेगी जसा के तो बता दे दिखाइए उसी लाइट तो कितने ना लवा रहे होंगे थाम लवा रहे ओ भाई मारो मुझे मारो ओ ले देखियो कत्ते आधी रात में कितने लगा मेरी माँ मेरी मम्मी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी मम्मी मेरी बेटी मेरी मम्मी क्या है भाग रहे हैं मेरी बेटी मुंह देखो उसको मेरी मम्मी है मेरी बेटी पकड़ ले मैं ना मत छोड़ मेरी मम्मी अच्छा ले जा दो तो अपने माँ पास जा मेरा भाई आ जा मेरा भाई नहीं 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 ये मम्मी का जुगाड़ वाला डस्टबिन पेड़ पे डस्टबिन टांग दिया उड़े वाले गाड़ी तो बागत ले आई है फ्रिजर तक देखी नहीं वो रोड़ती देख के चले गए सुरेखा बैठ को है कौन आ रहा है आपको और कहां पे थे हम सब दीदी मैं हम सब यहीं थे आपने बोले ऊपर जा मिलकी ना बड़ा खत्म हम ही सोचे अंदर है चीनू घर से वहां सामने मेन गेट है और हम पिछले 5 मिनट से ही सोच रहे थे कि शायद ऊपर चली गई इधर उधर होगी अभी बाहर आके देखा बच्चों ने बताया कोई लेके आ रहा है तो गेट तो बाहर भी चली जाती है बाहर भी अकेली जान लग रही थी भाई थी भाई तू जाती फिर जाओगा बाबा उठा ले जाते तो क्या हो गया क्या चक्कर इधर आ क्या हो गया आप किस तरह के लेके इधर उधर घूमने लगे अच्छा पापा भी आ चुके हैं और उधर विशु भी आ जा रहे क्या खा रही है तू ये पहले वाईफाई था जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो फिर बीच में अभी उन्होंने दोबारा से रिन्यू नहीं कराया क्योंकि सबके फोन में अपना अपना नेट और इतनी जरूरत होती नहीं है वाईफाई की जब भी मैंने लगवाया था और अब उसकी मेंबरशिप खत्म है तो दोबारा से रिन्यू है नहीं और मैं फोन से ही अपना कनेक्ट करके हॉटस्पॉट दे के इस पे चला रही हूँ और अभी तक भी 11 मिनट बाकी दिखा रहा है और 7:20 ऑलरेडी हो गया 8 आ ही चुका है पर कोशिश रहेगी कि आगे वाले रूटीन पे खाने की तैयारियाँ शादी में ही चलोगे शादी में जाओ घर पे खाओ दोनों खाना बना भी दिया नहीं तैयारी आप यही खाएंगे तैयारी हो चुकी है हलवा तो खा लिया इन्हें बनाया था हलवा चलो लूडो ही कर लो एक मैच जो जीतेगा जो वो सिकंदर है वो पता ही है कौन है कौन जीतेगा मैं कौन दादा बुई दादू कौन जीतेगा दादू बुआ जी चिनू कौन जीतेगा बेटा दादू बुई 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 दादू कोई भी कलर दे दो जीतना है तो अभी जो है जिस चीज का इंतजार था कि घर के सामने शादी म्यूजिक नहीं चला म्यूजिक भी चल पड़ा है और लीड में अभी तक जो है थोड़े थोड़े पापा चल रहे हैं फिर सेकंड पे मम्मी थर्ड पे लास्ट में अभी तक तो मैं शुरू में थोड़ा पीछे चलती हूँ लास्ट में क्योंकि मुझे जीतना होता है तो मैं इनको मौका देती हूँ है ना चिनू पीछे क्यों बाजू हो रही है ना मेरी तो तीन आ रही है चश्मे बना दी पीछे क्यों बाजू चल रहा जब मैं देखा ना पापा के सारे बीते जाले पूछ की 3 घुमा फिर मैं चश्मा ना ला रही थी ना मैं चश्मा ले तू तू उठी है मैं बोली ओ भाई पूरा मैच खेल दिया मेरी सुनो मेरी सुनो एक विनर फिर मैं तो कर लेती आपके बीच में बाजी मेरी है ना मेरी मेरी एक ही गलत रही मम्मी तेरी 3 लाई हाँ कि मेरी पकड़े आपके ने हाँ मेरी अपने आप चला रही थी और फिर मन नहीं हूँ मन्ना चलाई हाँ आपने मन्ना चलाई मन्ना झूठ दे ये लड़की हैं ये देखो भाई ये पापा का प्रेम कुछ इस प्रकार से उजागर हो रहा है कि क्योंकि माँ इतनी सुंदर लग रही है फोन में इतनी सुंदर लग रही है पापा मम्मी है ये कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है इसका एक फोटो खिंचाने के पीछे इतनी जदोजहद हो रही है ये रोने से चुप नहीं हो रही है ना ये टाइम हो गया 10:20 और सब हमारे मम्मी आए हुए भी 1 घंटा हो गया हम आराम से बैठे सारे ऐसे गप्पे मारे सोहित सुमित मैं मम्मी सुमित भी कहीं और शादी थी वहां पे गया हुआ था ये चाय दिया था बाकी ये हमको पसंद आया आई लाइक इट चाय पाल के जल्दी कॉफी ला दे
तो अभी बैठ के बातें करेंगे। इस ब्लॉग के लिए रखते इतना ही, क्योंकि टाइम भी 10:30 हो गए, थोड़ी बहुत देर और बैठेंगे, सुबह फिर भी जल्दी उठना है। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। सो एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।